हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है टॉलमैन कॉग्निटिव थ्योरी, तो इस बार जो टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही उसको डिस्क्राइब कर लिया है, राइट कर लिया है। तो जस्ट आपको क्या करना है कि इसको समझना है कि क्या कंसेप्ट दिया था टॉलमैन ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आए हैं कि टॉलमैन एक ऐसे व्यवहारवादी थे जिसने स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी को अस्वीकार किया, क्योंकि उनके अनुसार व्यवहार या व्यवहारों के सीखने का मुख्य आधार क्या होता है कि संज्ञानात्मक होता है। मींस टॉलमैन ने जो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थी, जो कि किसको मुख्य मानती थी, ये स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी का संबंध किससे है, ट्रायल और एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी, एडवर्ट थॉर्नडाइक ने ट्रायल और एरर लर्निंग। और दूसरा हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि किसने दी थी, स्किनर ने, तो बीएफ स्किनर ने और थॉर्नडाइक ने। तो इन दोनों थ्योरीज का संबंध है जो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी से है। ये मुख्य किनको मानते थे, ये मुख्य मानते थे व्यवहारवाद को, व्यवहारवाद को मानते थे। लेकिन जो टॉलमैन थे वो ऐसे व्यवहारवादी थे जिस जो कि व्यवहारों के सीखने का मुख्य कारण कि व्यक्ति के द्वारा की गई एक्टिविटी या उसके द्वारा दिया गया रिस्पांस को नहीं मानते थे, वो किसको मानते थे, व्यक्ति के संज्ञान को मानते थे। मींस उसका इसका संबंध है मेंटल एक्टिविटी से। तो क्या होती है जो मेंटल एक्टिविटी, मींस मानसिक रूप से की गई प्रक्रियाएं, मानसिक रूप से की गई प्रक्रियाएं जो होती हैं, प्रोसेसेस जिसको हम बोलते हैं, तो उसका संबंध किससे है, मेंटल एक्टिविटी से है। तो इनकी थ्योरी का जो नेम थे, इनकी थ्योरी के नेम, इन्होंने साइन लर्निंग थ्योरी दी थी जिसको सिग्निफिकेंट थ्योरी भी कह देते हैं, साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी या साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। तो ये हमारे पास इसके तीन नाम आ गए। ये मीन्स ये नहीं है कि ये अलग अलग हैं, एक ही नाम है लेकिन अलग अलग तरीके से है। और मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको या पेपर में कोई भी नाम मिल सकता है, इसलिए ये मैंने तीनों नाम लिख दिए, साइन लर्निंग थ्योरी, साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। इसमें मेन वर्ड याद रखोगे आप साइन, क्योंकि इन्होंने संकेतिक अधिगम सिद्धांत दिया था कि संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। तो ये इनके अनुसार इसमें पढ़ते हैं, इनके अनुसार मानव व्यवहार के मुख्य दो निर्धारक होते हैं। तो जो टॉलमैन थे वो मानते थे कि मानव के व्यवहार करने के मुख्य दो निर्धारक होते हैं, एक है हमारे पास डिमांड और दूसरा है हमारे पास होप्स। डिमांड का संबंध है मांगे, जिसको हम आवश्यकताएँ भी बोल सकते हैं। मीन्स व्यक्ति की कुछ मांगे होती हैं जिनको पूरा करने की उसको उम्मीद भी होती है, आशाएँ भी होती है, या इच्छाएँ भी कह सकते हैं हम। मीन्स वो पूरा कर देगा, मीन्स वो डिमांड होती है उसको वो पूरा करेगा, और वो ही डिमांड उसकी क्या बन जाती है, आगे जा कर के लक्ष्य बन जाता है उसका। तो इस डिमांड और होप्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात क्या होता है कि व्यक्ति का पूर्णतया व्यवहार इन निर्धारकों पर आश्रित होता है। मीन्स जो पूर्णतया व्यवहार है वो किन दो निर्धारकों पर टिका होता है, वो डिमांड्स और होप्स पर होता है। तो इसमें क्या है, शारीरिक अवस्थाओं से मांगों का जन्म होता है। मींस जो हमारी शारीरिक की अवस्थाएं, अब इसमें वर्ड आया है शारीरिक अवस्थाएं, तो ये होती क्या है शारीरिक अवस्थाएं, देखो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत से परिवर्तन आते हैं। और इन्हीं परिवर्तनों के दौरान हमें क्या होता है कि हमें अलग अलग डिमांड्स की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं डिमांड्स को हम क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। जब हम उन डिमांड्स को पूरा करते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा व्यवहार बन जाता है, और वो डिमांड्स आगे जा करके हमारी लक्ष्य बन जाती है। देखो सिंपली मांगे अगर कहा जाए तो यह हमारी आवश्यकता होती है, मांग कि
की हमें ज़रूरत है और वही ज़रूरत हमारा लक्ष्य बन जाती है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग तरह से एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि शारीरिक की अलग अलग अवस्थाएँ होती हैं जिससे मांगों का जन्म होता है। आगे है अधिगम परिस्थिति से होप्स का, मीन्स अधिगम परिस्थिति से जैसे कि सीखने की परिस्थिति, मांगों को पूरा करने के लिए जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, सीखते हैं, और उन्हीं सीखने से किसका जन्म होता है, आशाएं का। अब आशाएं क्या होती है, आशाओं से अभिप्राय परिस्थिति तथा लक्ष्य से संबंधित छोटी छोटी जानकारियों से होता है। मीन्स जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो हम माइंड में सोच रहे हैं, जो इच्छाएं रख रहे हैं, जो इच्छाएं कर रहे हैं, जो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन जिसको हम ये भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ क्या होती हैं, जानकारियां होती हैं छोटी छोटी, ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुँच जाएँ। तो इसलिए अधिगम परिस्थिति से किसका जन्म होता है, होप्स का जन्म होता है, एक्सपेक्टेशन का जन्म होता है, और वो एक्सपेक्टेशन का संबंध किससे है, छोटी छोटी जानकारियों से है। कौन सी जानकारियाँ जो हमें लक्ष्य तक क्या कर दे, पहुँचा दे। तो इसमें हमने बेसिक क्या पढ़ा कि जो व्यवहार का निर्धारक होता है वो क्या होती है, मांग होती है। तो मांग का संबंध हम ये कह सकते हैं कि एक लक्ष्य होता है क्योंकि हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में क्या उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और वही इच्छाएं हमें छोटी छोटी जानकारियां प्रोवाइड करती हैं। जब जानकारियां हमें प्रोवाइड करती हैं ताकि हम उस लक्ष्य को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। मीन्स जिसकी हमें लक्ष्य की ज़रूरत थी, यहाँ पर उसकी हमें मांग थी, उसकी आवश्यकता थी, तो उसको हमने क्या कर दिया, प्राप्त कर लिया। और इस व्यवहार के आधार पर हमने जैसे लक्ष्य को प्राप्त किया, तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमने जो भी सीखा, जो भी हमारा अधिगम है, तो उसी को क्या बोलते हैं, साइन लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से साइन लर्निंग थ्योरी दी थी जिसके मुख्य दो निर्धारक बताए, डिमांड, होप्स, और इसी के आधार पर जो पूरा व्यवहार होता है और कैसे अपने लक्ष्य तक हम पहुंचते हैं वो क्या है, हमारा ये साइन लर्निंग थ्योरी है। आगे टॉलमैन की ही बात करते हैं, क्या बताया था इन्होंने। हाँ जी, आगे है हमारे पास टॉलमन ने 5 types ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी दिया। इन्होंने 5 प्रकार की लर्निंग के बारे में बताया था कि सीखना कितने प्रकार से होता है, व्यक्ति का 5 प्रकार से होता है। तो इन्होंने कौन कौन सी लर्निंग यूज़ की, फर्स्ट है हमारे पास अप्रोच लर्निंग, सेकंड है हमारे पास ईस्केप लर्निंग, थर्ड अवॉइडेंस लर्निंग, चॉइस पॉइंट लर्निंग, और लास्ट है हमारे पास लेटेंट लर्निंग। तो इस पूरी लर्निंग की ये हमारे पास अलग अलग इसकी कुछ विशेषताएँ हैं कि इस पूरी लर्निंग के द्वारा व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं, तो ये हम समझते हैं। तो हमारे पास इसमें आपको मेन क्या करना है, जस्ट इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो सिंपली इन्हीं से रिलेटेड आता है। आप ये माने कि ये ही इनके क्या है, कीवर्ड्स हैं, तो ये शब्द दिए हैं अलग अलग, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कि इसमें इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर है। तो ये हम पढ़ते हैं, ये क्या दिया है, ये सभी अधिगम, मीन्स ये 5 प्रकार के जो अधिगम हैं, व्यक्ति के व्यवहार को पर्यावरण में अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने व्यवहारों को करने के लिए रेडी होता है, तैयार करते हैं, मीन्स रेडी करते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि उसको किसी न किसी मांग को पूरा करना होता है, मीन्स जो डिमांड होती है उसको पूरा करना होता है। तो इसमें फिर अलग अलग तरह से वो अपनी लर्निंग यूज़ करता है, जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहार करना, ठीक है, इच्छाओं दृष्टिकोणों का निर्माण करने के लिए व्यवहार करना, मनोवैज्ञानिक सामाजिक तथा वातावरणीय खतरों से बचने के लिए कोई ना कोई व्यवहार करना, आलोचनात्मक प्रवृत्ति
तार्किक चिंतन का ज्ञान। तो ये सब किस में आ गया, ये इसी पांच टाइप्स की लर्निंग में आ गया। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मीन्स अप्रोच लर्निंग, अप्रोच कोई ना कोई उपागम या विधि जिसके माध्यम से, वो मेथड जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। ईस्केप मीन्स बचना, तो किससे बचना, जो हमारे जीवन में कोई मनोवैज्ञानिक सामाजिक या वातावरणीय जहाँ भौतिक रूप से कोई ना कोई खतरे होते हैं उससे बचने के लिए जो हम व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार के दौरान जो हम सीखते हैं कुछ ना कुछ, वो हमारी ईस्केप लर्निंग हो गया। अवॉइडेंस लर्निंग में क्या होता है कि अवॉइडेंस लर्निंग में हम जो भी हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें हमने कोई ना कोई आलोचनात्मक व्यवहार या तार्किक चिंतन का यूज़ करना होता है ताकि हम दूसरों से जीत सकें, तो इसमें क्या होता है कि आलोचना रूप से किया गया व्यवहार, आलोचनात्मक रूप से या तार्किक चिंतन के द्वारा किया गया व्यवहार, वो किस में आएगा, अवॉइडेंस लर्निंग से। ऐसे ही चॉइस पॉइंट मीन्स कोई ना कोई इसमें हम चुनाव करते हैं, इसमें हम अलग अलग तरह से व्यवहारों का चुनाव करते हैं और व्यवहारों का चुनाव करके जो हम सीखते हैं वो चॉइस पॉइंट लर्निंग हो गया। लेटेंट लर्निंग जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसको डिटेल में करेंगे लेटेंट लर्निंग। तो हमारे पास लेटेंट लर्निंग देखते हैं क्या है। लेटेंट लर्निंग मीन्स इसका मतलब होता है अव्यक्त ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान या अव्यक्त अधिगम। तो इट इज़ गिवन बाय टॉलमैन एंड हॉन्जिक। तो यह दो थे, टॉलमैन और ये हमारे पास है हॉन्जिक। तो यह दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यह दी थी, टॉलमैन और साइकोलॉजिस्ट ने लेटेंट लर्निंग के बारे में बताया था। तो लेटेंट लर्निंग होता है सिंपली कहा जाए तो छिपा हुआ ज्ञान, छिपा हुआ ज्ञान। कैसे छिपा हुआ ज्ञान, इसकी बात करते हैं। तो इससे अभिप्राय उस अधिगम से है जो सीखने के समय में प्रकट नहीं होता परंतु तब प्रकट होता है कि जब व्यक्ति के सामने एक उपयुक्त प्रेरणा या अनुकूलन परिस्थिति न बन जाए। मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि यह एक वैसा व्यवहार है जहाँ हम ये कहें कि वो अधिगम है कि जब व्यक्ति उस अधिगम को सीखता है, मीन्स कोई भी व्यवहार करके जब व्यक्ति उस अधिगम को सीखता है तो उसे ये नहीं पता होता कि इस व्यवहार, इस सीखे हुए अधिगम का आगे मीन्स निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसको क्या प्राप्त होगा, उसको ये नहीं पता चलता। तो इसमें इसलिए कहा गया है कि इसको उस अधिगम को कहते हैं जो सीखने के समय में प्रकट नहीं होता। मीन्स वो अधिगम जिसका पता नहीं चलता व्यक्ति को जब वो क्या कर रहा होता है, उस अधिगम को सीख रहा होता है, परंतु उस अधिगम का कब पता चलता है। तो इसमें आगे लिखा है कि तब पता चलता है, तब प्रकट होता है कि जब व्यक्ति के सामने एक उपयुक्त प्रेरणा या अनुकूलन परिस्थिति न बन जाए। मीन जब व्यक्ति के सामने एक मोटिवेशन, जब उसको कोई ना कोई मोटिवेशन मिलती है या अनुकूलित परिस्थिति, मीन्स वो परिस्थिति क्रिएट हो जाती है कि जिसके लिए वो कोई ना कोई अधिगम सीख रहा था, वो परिस्थिति प्रकट हो जाती है तब उसको पता चलता है कि तब मीन्स उसको पता चलता है कि कोई ना कोई उसका अधिगम हो गया, किसी तरह से उसने अधिगम सीख लिया। तो उसको ही बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। और इसकी यह विशेषता होती है कि पुनर्बलन की उपस्थिति में ही होता है। जो लेटेंट लर्निंग है यह पुनर्बलन की उपस्थिति में होता है। मीन्स व्यक्ति को रेनफोर्समेंट मिलना ही चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्किनर ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या था कि जो रैट था, रैट ने जो अधिगम सीखना था, कौन सा अधिगम, लीवर दबाने का, जो उसने लीवर दबाने का अधिगम सीखना था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसने यह लीवर दबाने का अधिगम सीखना है। मीन्स उसको पता नहीं था कि उसने क्या सीखना है, लीवर को दबाना सीखना है। लेकिन जब वह लीवर को दबा देता है और उसको क्या मिल जाता है, रेनफोर्समेंट, मीन्स उसको भोजन मिल जाता है। तो यह रेनफोर्समेंट भोजन, जो रेनफोर्समेंट का कार्य करता था, उसको जब भोजन मिल जाता है तो फिर क्या होता है कि उसको यह स्थिति बार बार दोहराई जाती है। मीन्स यह बार बार किया जाता है और बार बार करने पर मीन्स वो क्या हो जाता है, लीवर को दबाना सीख जाता है। तो वो कैसे सीखा, जब उसको कोई ना कोई मोटिवेशन मिली और तब पता चला उसको कि उसने लीवर को दबाना है और भोजन को प्राप्त करना है। मीन्स जब हम कोई ना कोई कार्य सीखते हैं,
जब हम कोई भी कार्य सीखते हैं, तो जब हम वह कार्य सीख रहे होते हैं तब उसमें क्या सीखा इसका पता नहीं होता। मीन्स ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क होता है। जब हम कोई कार्य सीख रहे होते हैं तो उसमें हम क्या सीखा या कितना सीखा ये हमारे सामने नहीं होता, लेकिन जब हमें मोटिवेशन मिल जाती है या सिंपली कहा जाए सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्टिमुलस मिल जाता है, या उद्दीपक, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। मीन्स वो चीज़ जब हमें मिल जाती है जिसके लिए हम सीख रहे थे कोई ना कोई कार्य, तब हमें पता चल जाता है कि हमने क्या सीखा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब हम कार्य को सीखते हैं तो हमें पता नहीं होता, इसलिए इसमें सिंपल कहा गया है कि लेटेंट लर्निंग वो लर्निंग है कि जब हम सीख रहे होते हैं तब हमें पता नहीं होता, लेकिन तब हमें पता चल जाता है जब कोई ना कोई हमें प्रेरणा मिल जाती है, पुनर्बलन मिल जाता है, स्टिमुलस मिल जाता है, सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। सिंपली अगर हम कहें कि आपने कोई अकेडमी ज्वाइन कर ली, किसके लिए आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली, टेट को पास करने के लिए, लेकिन आप एकेडमी में जाते हो, समटाइम क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एकेडमी में जाकर के भी आपको संतुष्टि नहीं होती कि हमें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, मैथ का अलग से पढ़ना पड़ता है, साइको अलग से पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ती है, मेन सब्जेक्ट अलग से पढ़ना पड़ता है, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट के कारण हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब एकेडमी में हम लगातार जैसे जाते रहते हैं कुछ ना कुछ पता चलता जाता है, तो जब हम टेट देते हैं और पास हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कुछ ना कुछ सीखा ही था। वहाँ मीन्स जब हमें मोटिवेशन मिली, जब हमें कोई ना कोई स्टिमुलस मिला, तब हमें पता चला कि जो हम सीख रहे थे मीन्स कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही वो अधिगम हम सीख रहे थे। तो सिंपल है लेटेंट लर्निंग, तो इसलिए इसको बोलते हैं अव्यक्त अधिगम। मीन्स हम ये जिसका पता नहीं होता, वो उसके सामने नहीं होता कि वो सीख क्या रहा है। तो होप के ये अब आपको समझ में आ गया होगा लेटेंट लर्निंग। तो ये लेटेंट लर्निंग था। आगे इन्होंने एक और शब्द दिया था जो है हमारे पास कॉग्निटिव मैप। तो फ्रेंड्स एक और इन्होंने शब्द दिया था टॉलमैन ने, जिसका नाम है कॉग्निशन मैप, मीन्स संज्ञानात्मक मानचित्र या संज्ञान मानचित्र। तो ये होता क्या है संज्ञान मानचित्र? तो इसमें शब्द का प्रयोग, इसमें क्या लिखा है, तो ये होता क्या है संज्ञान मानचित्र, तो इसमें हम करेंगे तो बाहरी वातावरण से प्राप्त ज्ञान या सुविधाएँ, विचार आदि को आंतरिक रूप से प्रस्तुत कर लेना, छवि का निर्माण कर लेना। ये ब्रैकेट में लिखा है। मीन्स ये क्या कह रहा है कि जो ज्ञान हम बाहर से अपने समाज से अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं, जो सुविधाएं, विचार कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मीन्स उसी तरह का ज्ञान जो हम वातावरण से प्राप्त कर रहे थे, अपने समुदाय से प्राप्त कर रहे थे, अपनी कम्युनिटी से प्राप्त कर रहे थे, तो उसको हम क्या करते हैं आंतरिक रूप से, कह रहे हैं कि इसको हम अपने माइंड में ले जाते हैं। आंतरिक रूप से मींस अपने माइंड में इसकी एक छवि का निर्माण कर लेते हैं, मींस इमेज फॉर्मेशन, कि उसको कैसे निर्माण, उस ज्ञान को हमने जो वातावरण से प्राप्त किया है उसको आगे कैसे अप्लाई करना है, तो इसलिए उसकी एक छवि बना लेते हैं। तो इसमें व्यक्ति वातावरण से बड़ी बड़ी संख्याओं में संकेत प्राप्त करता है, तो वह मीन्स बहुत ज़्यादा संख्याओं में, बड़ी बड़ी संख्याओं में संकेत प्राप्त करता है, तो इसलिए संकेत वर्ड आ गया ना हमारे पास, इसलिए संकेत साइन जिसको बोलते हैं चिन्ह, और ये ही चिन्ह जब माइंड में सेट हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, उसका एक मानचित्र बन जाता है। तो इसलिए वातावरण से बड़ी बड़ी संख्याओं में वो क्या करता है, संकेत प्राप्त करता है तथा मन में एक मानचित्र बना लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉग्निशन मैप बोलते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया है, सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने टॉलमैन के बारे में पढ़ा। तो टॉलमैन ने जो साइन सिग्निफिकेंट लर्निंग और साइन गेस्टाल्ट लर्निंग,
ये मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ये तीन तरह के नाम बताए थे जिसमें इन्होंने कहा कि इसमें इस तरह की लर्निंग के लिए जो व्यवहार होता है वह उसके दो निर्धारक होते हैं, डिमांड और होप्स। और होप्स और डिमांड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऐसे ही इन्होंने लर्निंग के 5 टाइप्स बताए, जो कि हमने जिसमें क्या पढ़ा था, फर्स्ट था हमारे पास अप्रोच लर्निंग, अप्रोच लर्निंग। सेकंड पढ़ा हमने ईस्केप लर्निंग। थर्ड पढ़ा हमने अवॉइडेंस लर्निंग। और फोर्थ जो हमने पढ़ा था, चॉइस पॉइंट लर्निंग। और लास्ट हमने पढ़ा था लेटेंट लर्निंग। तो ये इन्होंने 5 प्रकार की लर्निंग दी थी। और लास्ट में क्या पढ़ा हमने, ये हमारे पास कॉग्निशन मैप। तो ये जो था टॉलमैन के द्वारा दिए हुए कुछ, आप इसको कीवर्ड मान लो, शब्द मान लो, जिसमें अलग अलग तरह से उन्होंने क्या बताया था, डिमांड, होप, कैसे वो व्यवहारों को करता है और कैसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है, कैसे सीखता है। तो ये टॉलमैन ने दिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।